करने वाले हैं एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स 2021 वाला पेपर, कॉमन सेक्शंस हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने किया है 2020 वाला पेपर, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम कॉमन सेक्शंस के जो फर्स्ट क्वेश्चन है। 2021 में ये हमारा पेपर आया था एचटेट का पीजीटी मैथमेटिक्स। फर्स्ट था, इफ 7 कारपेंटर्स कैन मेक 7 चेयर्स इन 8 आवर्स, यानी कि 7 कारपेंटर्स है वो 7 चेयर बनाते हैं कितने टाइम में, 8 आवर्स में। हाउ मेनी आवर्स विल 70 कारपेंटर्स टेक टू मेक 70 चेयर्स, यानी कि इसने ये कहा है कि कितने आवर्स में 70 कारपेंटर 70 चेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ से 7 तो कारपेंटर्स हैं, 7 चेयर्स बना रहे हैं कितने टाइम में, 8 आवर्स में। ठीक है, अब हमें बताना है कि 70 कारपेंटर्स 70 चेयर्स, यही से हमें डायरेक्ट दिख रहा है ये भी क्या आएगा, 8 आवर्स में ही बनाएंगे ना। 7 कारपेंटर थे तो यहाँ पे कारपेंटर ही तो बड़ा ही है ना, 70 कारपेंटर 7 ही चेयर बना रहे थे और यहाँ पे कितनी बना रहे हैं, 70 चेयर, तो वो कितने टाइम में बनाएंगे, 8 आवर्स में ही बनाएंगे, ये हमें डायरेक्ट भी दिख रहा है। और इसको हम ट्रिक से भी करते हैं कि 7 कारपेंटर है वो 8 आवर्स काम करके 7 चेयर्स बना रहे हैं। सिमिलरली 70 कारपेंटर यहाँ पे कितना टाइम लेंगे उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स, वो कितना आवर्स लेंगे वहां पे और कितनी चेयर बनाएंगे, 70। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 8 आएगा। देखो करते हैं, 56 इंटू में 70 इक्वल टू 7 इंटू में 70 इंटू में एक्स, 56 इंटू में 70। ठीक है, ये 7 अपॉन में आ गया, 70 इंटू में एक्स, ये 10 आ गया, इधर रह गया 56 इंटू में 10, ये 70 फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू एक्स, कितना आ गया यहाँ से एक्स की वैल्यू, 8 आवर्स, यानी कि 70 कारपेंटर 70 चेयर्स कितने टाइम में बनाएंगे, 8 आवर्स में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। एक बार फिर से देखो, 7 कारपेंटर थे, 7 चेयर 8 आवर्स के अंदर बना रहे थे, तो हमसे पूछा गया था कि 70 कारपेंटर 70 चेयर्स कितने आवर्स में बनाएंगे, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट दिख रहा है 7 कारपेंटर थे तो 7 ही चेयर बना रहे थे, कितना टाइम ले रहे थे, 8 आवर्स, और 70 कारपेंटर 70 चेयर बना रहे हैं तो टाइम कितना लेंगे, उतना ही तो लेंगे ना, 8 आवर्स, ये तो डायरेक्ट हो गया। और हमने ट्रिक से किया इसको कि 7 कारपेंटर 8 आवर्स में 7 चेयर बना रहे हैं। सिमिलरली 70 कारपेंटर कितने टाइम में, वो हमने एक्स कह दिया, कितने आवर्स के अंदर 70 चेयर्स बनाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आवर्स। सेकंड देखो, विच नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट मे बी इक्वल टू 5:6। इसने ये कहा है कि किस नंबर को हम ऐड करें किसके अंदर, ईच टर्म ऑफ द रेशियो, रेशियो क्या है 2:5, इसके अंदर हम क्या नंबर ऐड करें हर टर्म के अंदर, मतलब इसके अंदर भी इसके अंदर भी, तो हमने एक्स को एड कर दिया। ठीक है, सो दैट इट मे बी इक्वल टू, एड करने के बाद ये किसके इक्वल टू आ जाए, 5:6 के। तो अब हमें जो नंबर एड किया है वो यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 प्लस में 6x इक्वल टू 25 प्लस में 5x, ये इधर आ गया, 6x माइनस में 5xx, 25 माइनस में 12, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 30। इसमें हमारा ऑप्शन आ गया था फर्स्ट वाला राइट, इसमें कौन सा ऑप्शन आया है हमारा, थर्ड वाला, इजी था डायरेक्ट, यानी कि 2:5 दे रखा था, इसने ये कह रखा था कि यहाँ पे हर टर्म के अंदर हम क्या ऐड करें कि जो रेशियो है वो क्या आ जाए, 5:6 आ जाए। तो हमने एक्स एक्स ऐड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 13 है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, सम ऑफ रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई भी धन राशि है, मतलब की 10,000 रुपए है, वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स द अमाउंट विल बी, 20 ईयर्स के बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे मान लेते हैं हम कोई भी प्रिंसिपल है, यहाँ पे तो 10,000 हमें गिवन है, पहले हम एक जनरल कर लेते हैं, कोई भी प्रिंसिपल है वो कितने ईयर्स में डबल हो रहा है, 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स में ये क्या बन गया, 2p बन गया, एट द किससे हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ से ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में फिर से डबल होगा,
तो 2p का क्या बन जाएगा 4p, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 4p का क्या बन जाएगा 8p, नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर कितना बनेगा 16p। हमें कितने ईयर्स के अंदर बताना है आफ्टर 20 ईयर्स, तो 5, 10, 15, 20। तो 20 ईयर्स में कोई भी धनराशि, कोई भी प्रिंसिपल अपने आप का कितना हो जाता है 16 टाइम्स, यानी कि 16p हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 10,000 है, ठीक है। तो आफ्टर 20 ईयर्स कितना हो जाएगा ये 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 इंटू में ये, ठीक है, 16 टाइम्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा ये 1,60,000, ठीक है। इतने टाइम्स हो गए जो हमारी धनराशि है वो क्या आ जाएगी 1,60,000। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, फोर्थ वाला, क्योंकि वो राशि 20 साल के बाद 16 टाइम्स हो जाएगी। डायरेक्ट हमें पेपर में इसी तरह से करना है कि पहले 5 साल में डबल हो गया, नेक्स्ट में 4 टाइम हो गया उसका, उससे नेक्स्ट में 8 टाइम्स और उससे नेक्स्ट 5 ईयर्स में 16 टाइम्स। तो 5, 5, 5, 5, 4 टाइम्स 20 ईयर्स हो गया। नेक्स्ट देखो, ए सोल्ड ए वॉच टू बी, हमें टाइम बचाना है पेपर के अंदर, कम से कम कैलकुलेशन करनी है, हमने माइंड में ही ज्यादा कैलकुलेशन करनी है तभी हम पेपर को सोल्व कर सकते हैं, हमारा टाइम बच सकता है तभी। ए सोल्ड ए वॉच टू बी एट ए गेन ऑफ 10%, यानी कि ए ने एक वॉच बी को दी है कितने परसेंट गेन के ऊपर, 10%। फिर बी ने उसको सी को बेच दिया कितने लॉस के ऊपर, 10%। अब सी ने 990 रुपए पे किए हैं उसके लिए, देन हाउ मच अमाउंट पेड बाय ए, ए ने उसके लिए कितने अमाउंट पे की थी, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ए ने बी को बेचा है, ठीक है, 10% क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है। फिर बी ने सी को बेचा है, लॉस हुआ है 10% का। तो ए ने बी को बेचा है, 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो कोई भी चीज है, जैसे ये क्या होगी एक्स मान ली हमने, ठीक है, उसको पहले प्रॉफिट हुआ है तो 110/100 हो गया। अब इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, बी ने सी को दिया है। तो 110/100 का हम 10% निकालेंगे तो 11 आएगा, 110 में से 11 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 99, ठीक है। अब ये टोटल हमारा कितना आ गया, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल टू आएगा, सी ने कितने रुपए पे किए थे 990 रुपए, इसको सोल्व करेंगे तो हम कितना आएगा, ए ने बी को बेचा है किस प्रॉफिट के ऊपर, 10% प्रॉफिट के ऊपर। फिर बी ने सी को बेचा है 10% लॉस के ऊपर, यानी कि ए से बी पे प्रॉफिट हुआ था 110/100। यहाँ से हम डायरेक्ट इसको किस तरह से कर सकते हैं, देखो एक्स मानने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम ए बी सी है, ए ने बी को दिया, इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा उससे। ए बी सी, ए ने बी को दिया है, मान लो कि उसने 100 रुपए की खरीदी थी, ठीक है, फिर उसने बी को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया तो कितने की बेची होगी, 110 रुपए की। अब बी ने सी को 10% लॉस पे बेचा है, यानी कि 110 का 10% निकालेंगे तो 11, 110 में से ये 11 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 99। अब सी ने कितने रुपए पे की है, सी ने तो यहाँ पे 99 आ गया। अब 99 किसके इक्वल है, 990 के, क्योंकि सी ने इतने रुपए पे किए हैं, तो 1 रुपए कितने के इक्वल है, 10 के। और हमें ये बताना है कि उसने अमाउंट ऑफ ए ने कितने रुपए पे किए थे, तो इंटू में क्या हो जाएगा 100, यानी कि 1,000 रुपए ए ने 1,000 रुपए में ली थी, ठीक है, ए ने 1,000 रुपए पे किए थे। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, सेकंड वाला। डायरेक्ट हमें क्या करना है, ए ने बी को दिया 10% प्रॉफिट पे एक वो बेची है, बी ने सी को 10% लॉस पे, सी ने उसके लिए उस वॉच के लिए कितने रुपए पे किए हैं, 990 रुपए पे किए हैं। तो हमें वहां पे बताना क्या था कि ए ने कितने रुपए पे किए थे उसके लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए ने 100 रुपए पे किए थे, तो अब ए से ए ने बी को बेचा है तो उसको 10% का लाभ हुआ है, तो मतलब तो यहाँ पे ये उसको कितने की पड़ी होगी, बी को 110 रुपए की। अब बी ने सी को 10% लॉस पे बेचा है तो यहाँ पे सी को कितने की पड़ी होगी वो वॉच, बी ने सी को, इसका 10% निकाल के 110 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99 किसके इक्वल है, 990 के, क्योंकि सी ने कितने रुपए पे किए हैं उसके लिए 990 रुपए। तो ए कितने के इक्वल है 10 के, और हमें ए के बारे में बताना है तो ए ने तो 100 रुपए पे किए, तो 100 इंटू में 10 दैट इज 1,000 रुपीज।
कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? सेकंड। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। द प्राइस ऑफ एनी आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड द रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ द आइटम बाय ए कंज्यूमर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज ऑन हिज एक्सपेंडिचर। यानी कि हमें ये बताना है यहाँ पे कि फाइंड द रिडक्शन, कितना रिडक्शन करे कंजप्शन के अंदर, उस आइटम के कंजप्शन के अंदर, कि देयर इज नो इंक्रीज ऑन हिज एक्सपेंडिचर, मतलब कि खर्चा हमारा सेम रहे। यही है ना एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर क्या होगा? प्राइस इनटू में कंजप्शन। अब हमें कितना रिडक्शन करना है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, ठीक है? उसका प्राइस बढ़ जाता है, कितना इंक्रीज हो जाता है? 20%। पहले 20% सॉरी पहले कोई भी चीज है उसका प्राइस 100% था, अब 20% इंक्रीज हो गया तो बढ़ के आप कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक है? किसी भी आइटम का प्राइस। तो यहाँ से हम किस तरह से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे आपने वो क्वेश्चन किए है ए बी से इतना अधिक है तो बी ए से कितना कम है, ठीक है? उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस कितना बढ़ा है हमारा? 20%। बढ़ के कितना हुआ है ओरिजिनल? 120 इंटू में क्या कर देंगे? 100। तो यहाँ पे कितना आ गया? 50/3 यानी कि 16 and 2/3%। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है? यानी कि हम कितना कंजप्शन यहाँ पे रिड्यूस करें कि जो हमारा प्राइस है, एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है आइटम का। यानी कि हमें इनको एक जैसे ही रखना है, ठीक है? कि हमारा यहाँ पे खर्चा भी ना बढ़े और जो ये प्राइस बढ़ा है ये भी हमारा क्या हो जाए, इसी के अंदर इंक्लूड हो जाए। तो हमें कितना वहां पे रिडक्शन करना है, ठीक है? तो वो क्या आ गया? 20/120 × 100। तो कितना आ गया यहाँ पे? 16 and 2/3%। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ, व्हाट इज द वैल्यू? अगर आपको इस तरह से रूट के अंदर वैल्यू गिवन है तो इसको हम एक ट्रिक से सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी रूट के अंदर वैल्यू होती है, अगर इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता, ठीक है, और ये आगे ये लिख देता कि ये आगे इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर जो भी वैल्यू होती है वही आ जाती है हमारी, ठीक है? वही आ जाती है अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ये 5 times है, 5 times से आगे इन्फिनिटी तक नहीं गया, 5 times तक ही ये रुक गया। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, जो भी यहाँ पे एक्स होता है इसके पावर 2^(n-1)/2^n, एक्स मीन्स यहाँ पे जो रूट के अंदर जो टर्म होती है 2, ठीक है? फिर 2^(n), n मीन्स यहाँ पे ये कितने टाइम्स है? 5 times, 2^5, ठीक है? -(1)/2^5, यानी कि 2^ ये कितना होता है? 32 और -(1), ये इसके साथ ही होता है, ठीक है? और ये नीचे 2^5 ही, n ही होता है। तो ये 2^5 और -(1), ये ऐसे होता है एक्स के 2^n, ये इसके साथ नहीं होता, -(1)/2^n, ये ट्रिक होती है हमारी। 2^5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 32 -(1)/31, यानी 32। 2^31/32 इज द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हमारा लास्ट वन। एक बार फिर से देखो ये ट्रिक क्या होती है, कि यहाँ पे जो भी हमें एक्स दे रखा है, एक्स यहाँ पे क्या है? 2 है। कितने टाइम्स है वो? 5 times है, ये एन की वैल्यू है। तो ट्रिक होती है x^(2^n-1)/2^n, ठीक है? ये -1 इसके साथ नहीं होता, मतलब इस m के साथ नहीं होता, इसके यहाँ अगर 2^n को सोल्व कर लेंगे फिर -1 करना होता है हमें। तो x^(2^n-1)/2^n, तो 2^5 (32 - 1), तो ऊपर इसकी पावर कितनी आ गई? 31, यानी कि 2^31/32 इज द राइट आंसर। इसका फोर्थ पार्ट राइट हो गया। नेक्स्ट करते हैं सेवंथ। 2 trains 132 meter and 108 meter लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक इधर से आ रही है तो दूसरी इधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में वो रन कर रही है। 1 at the speed of 32 km/h, एक की स्पीड है 32 km/h, दूसरी की स्पीड है 40 km/h, इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को वो क्रॉस कितने टाइम के बाद करेंगे, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एक ट्रेन ये आ रही है, एक इधर आ रही है, ठीक है? एक की यहाँ पे लंबाई है 132 meter, दूसरी की है 108 meter, इसकी स्पीड है 32 km/h, इसकी है 40 km/h, ठीक है? हमें टाइम बताना है, तो टाइम क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम,
टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 132 प्लस में 108 दोनों की ऐड होगी, यहाँ भी स्पीड भी 32 प्लस में 40, ऊपर कितना आ गया यहाँ पे 240 आ गया, नीचे 72। ये किलोमीटर पर आवर है, ये किसके अंदर थे, मीटर के अंदर थे, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा मीटर पर सेकंड में, आंसर भी हमें सेकंड में गिवन है टाइम, तो यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया, यानी कि 240 अपॉन में 72 इंटू में 5/18 करेंगे, तो ये आ गया 240 अपॉन में यहाँ पे कितना आ गया 20, इसको सोल्व करेंगे तो 12 सेकेंड, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, लेकिन नीचे जो स्पीड है ना, डिस्टेंस अपॉन में हम स्पीड सॉरी टाइम निकालना है, तो नीचे यहाँ पे क्या होगी टोटल स्पीड, गलती से लिख दिया मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, क्योंकि डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू में टाइम, हमें टाइम निकालना है यहाँ पे, तो स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर है, ऊपर हमें मीटर में थी डिस्टेंस, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखो, 0.3467 बार, 0.1333 इनके ऊपर बार है, ये बताना है कि इन चारों में से किसके इक्वल टू होगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 0.3467 बार इन दोनों के ऊपर बार है, 0.1333 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं, 3467 जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देते हैं, अब जिसके ऊपर बार है उनके नाम का नीचे 99 आएगा, और जिनके ऊपर बार नहीं है उनका 0 आएगा, यहाँ पे 1333 माइनस में 13 अपॉन में 9900। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 3343990, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 0231 9900, एलसीएम यही आ गया हमारा, इनको ऐड करेंगे तो ये 3, ये 5 और ये 7 और ये क्या आ गया 4, ये आ गया सोल्व हो गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा, इनमें ऑप्शन को भी हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये किसमें कैंसल आउट होगा, देखो 11, 16, 19, ये किस पे जाएगा, 9 पे जा रहा है क्या, 9 से कैंसिल आउट करके देख लेना, इसका जो आंसर आएगा 0.4801, इसके ऊपर बार है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4801 माइनस में 48 अपॉन में 9900, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 3, यहाँ पे ये 5 आएगा और ये 7, ये 4, हमें कैंसिल करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने देखा कि इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है, यही हमारा इनके ऊपर एडिशन को सिंप्लीफाई किया था तब आ रहा था, कैंसिल आउट करने की भी जरूरत नहीं है, हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और इस तरह से जैसे बार को सिंप्लीफाई किया है ऊपर ऐसे ही करेंगे तो ये आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, आ गया समझ, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके लिए हमारा, सेकेंड वाला 0.4801 के ऊपर बार था। नेक्स्ट करते हैं नाइन्थ, वट इज द एच सी एफ ऑफ 11, 11.11, 0.11, 0.011। ठीक है, इसका हमें एच सी एफ फाइंड आउट करना है, तो ये क्या लिखा हुआ है 11, 11.11 है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ गया 100, यहाँ पे 11 अपॉन में क्या आ गया 100, 11 अपॉन में क्या आ गया 1000। अगर हमें इस टाइप पी बाई क्यू का यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना हो एच सी एफ, तो कैसे निकालते हैं हम इसका एच सी एफ, ऊपर वाले नंबर का तो एचसीएफ निकल जाएगा 11, 11, 11। ठीक है, और नीचे इनका क्या लेना है हमें एलसीएम, इसके अपॉन में 1 लगा लो, ठीक है 100, 100, 1000, इनका हमें क्या लेना होता है एलसीएम, तो ऊपर वाले का एचसीएफ आएगा कितना आ गया 11, एलसीएम कितना आएगा 1000, तो आंसर आ गया हमारा 0.011। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, फर्स्ट वाला, बहुत ईजी था। ठीक है, हमने पहले डेसिमल को हटाया तो ऊपर वालों का हम एचसीएफ लेते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो। ठीक है, एलसीएफ निकालना है तो यही करेंगे हम, 11 अपॉन में ऊपर वालों का क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे और नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। द रेशियो ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कॉमन सेक्शन का, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर विल बी, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी। ठीक है, अगर हमने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो क्या कह रखा है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इन सर्कल
एंड सिरकम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल है, एक स्क्वायर के बाहर सर्कमफ्रेंस के ऊपर सर्कल है, हमें दोनों का एरिया का रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जैसे ये एक स्क्वायर है हमारा, ठीक है, क्या कह रखा है, रेशियो ऑफ एरिया जो इन सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल है इस तरह से, ठीक है, एंड सर्कम सर्कल मतलब कि इसके बाउंड्री के ऊपर सर्कल है एक इस तरह से। हमने स्क्वायर की साइड मान लो x मान ली, ये भी क्या होगी x, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये क्या बन गया इसका डायगनल, तो डायगनल क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2x। अब ये देखो जो अंदर वाला सर्कल है तो ये कंप्लीट साइड x है, तो यहां से यहां तक इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया एक्स वाई टू हो गया ना, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल कितना है यहाँ पे, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल कह लो या ये क्या लिखा हुआ है इन सर्कल, वो क्या हो गया एक्स वाई टू, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर बाई फोर हो गया। अब हमें सर्कम सर्कल का एरिया भी निकालना है, तो सर्कम सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होगा, इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, ये इसका जो डायगनल है ये बाहर वाले इसका क्या बन गया डायमीटर रूट टू एक्स, तो रेडियस क्या हो गया इसका रूट टू एक्स बाई टू हो गए, टू को रूट टू इंटू में रूट टू लिखेंगे तो एक्स बाई रूट टू बन गया। अब इसका एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है रेशियो लेना था, क्या लेना था इन दोनों का रेशियो, इन सर्कल का, इन सर्कल का था पाई एक्स स्क्वायर बाई फोर और अपॉन में सर्कम सर्कल का पाई एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से पाई एक्स स्क्वायर बाई फोर इंटू में टू अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो कितना आ गया वन रेशियो टू, कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा थर्ड वाला वन रेशियो टू, ठीक है। तो हमें इसमें स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना था कि इन सर्कल और सर्कम सर्कल का यहाँ पे क्या मतलब है, कि एक स्क्वायर के अंदर सर्कल है, एक इसके बाउंड्री सर्कम फ्रेस के ऊपर सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने साइड इसकी एक्स ले ली, तो यहाँ पे इसका जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना हो गया एक्स बाई टू, तो एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर बाई फोर हो गया, ठीक है। अब ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये जो डायगनल है ये कितना हो गया रूट टू एक्स, और ये जो डायगनल है ये बाहर वाले सर्कल का क्या बन रहा है डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया अपॉन में टू करेंगे तो टू को लिखेंगे रूट टू इंटू में रूट टू, एक रूट टू कैंसिल आउट हो गया एक्स वाई रूट टू। अब इसका एरिया पाई एक्स स्क्वायर बाई टू, इसके रेशो, इसके एरिया के रेशो अपॉन में इसके एरिया के रेशो करेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारा वन रेशो टू। ओके गाइज, ये था हमारा पेपर 2021 वाला, ठीक है, एस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स का, जिसका कॉमन सेक्शन हमने किया है, इसके 10 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस क्लियर होंगे, अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स 2022 वाला पेपर, उसका कॉमन सेक्शंस के 10 क्वेश्चंस। और कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी क्वेश्चंस, किसी भी जो अभी तक हमने जितने भी पेपर किए हैं उन सभी में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स एवरीवन।